अरे तुम यहाँ पर हो, तुम्हें याद है आज 2 घंटे में क्लब जाना है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कितनी जल्दी गुजर जाता है। पता है बाबर, कल की बात लगती है कि आप रेस्टोरेंट में उस लड़ाई झगड़े वाली मीटिंग के बाद हमारे घर आए थे, मेरा रिश्ता मांगा था। मैं तो हैरान हो गई थी, मुझे लगा था शायद आप उस लड़ाई के बदले में मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं। मुझे तो तुम पहली नजर में अच्छी लग गई थी। मैंने तुम्हें देखा, मैं घर गया, मैंने तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मालूम किया, तो मुझे पता चल गया, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया। तो अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता तो आप मेरा रिश्ता नहीं लेने आते? नहीं, मैं फिर भी रिश्ता भेजता। आज तो सच बोल देते बाबर। मैं सच बोल रहा हूं, और आज तक तो तुमने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया है, तो फिर आज क्यों? बस आज ख्याल आया कि आपसे वो सब कह दूं जो पहले नहीं कहा है। समिया, तुम मेरे लिए आइडियल बीवी साबित हुई हो, ओके? जस्ट परफेक्ट। क्योंकि मैं सुनती हूँ, बोलती नहीं। नहीं, क्योंकि तुम खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो, मेरे साथ पार्टी तो फंक्शंस में क्या जचती हो, हमारे घर का ख्याल रखती हो, हमारी बेटी का ख्याल रखती हो, इस घर में होने वाले डिनर्स में तुम एक शानदार होस्ट का किरदार अदा करती हो, तुम्हारा ड्रेस सेंस, लुक एट यू, अब तुम्हें सारे ट्रेंड्स के बारे में पता होता है। और इस सब में आप भूल गए कि मैं आपसे प्यार करती हूं। हाँ, वो भी। वो भी क्या हो गया, तुम इतनी ओवर इमोशनल क्यों हो रही हो? शादीशुदा कपल्स में तो ये बातें अंडरस्टूड होती हैं। कभी कभी अंडरस्टूड बातें कह देनी चाहिए बाबर। अगले को अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली होती है। मैं अयान को देखकर आती हूँ।